आज हम लोग टावर का वर्टिकलिटी चेक करने के लिए आया हुआ है। तो सबसे पहले वर्टिकलिटी चेक करने के लिए हमको ट्यूबलाइट को सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को टावर का सेंटर पॉइंट निकलना है। तो हम लोग ने ऐसा ही जो सूता बांध के चारों लेग से क्रॉस सूता बांध के हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। फिर ये सेंटर पॉइंट निकालने के बाद फिर इस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट में हमने स्टाफ रखा है और इस स्टाफ को हम लोग ट्यूबलाइट को इस स्टाफ के साथ में अलाइन करेंगे। तो हमारा इंजीनियर है यहाँ पे ट्यूबलाइट को अभी स्टाफ का सर में हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहा है। इसका अलाइन करने के बाद हम लोग ये वाला जो नॉब है ये इससे हम लोग फिक्स कर देंगे, हॉरिजॉन्टली फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, टावर का जो सेंटर पॉइंट हमने निकाला है उसका सर अलाइन करके हमने हॉरिजॉन्टली इसको फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद ट्यूबलाइट को लेवल करना बहुत ज़रूरी है काम करने के पहले। यहाँ पे वाटर लेवल स्पीड लेवल है ना, वाटर लेवल है वाटर लेवल है, नीचे स्पीड लेवल और नीचे एक स्पीड लेवल भी है। तो इसको पहले लेवल करना बहुत ज़रूरी है, उसका बाद टावर के सेंटर पॉइंट के साथ में इसको अलाइन करके मैप देखना होगा, फिक्स कर देना है। ट्यूबलाइट को अभी टावर के सेंटर पॉइंट के साथ में लॉक कर रहे हैं। इस पार्टिकुलर नॉब से हम लोग लॉक करते हैं। वहाँ पे स्टाफ लेके खड़ा है हमारा एक आदमी सेंटर पॉइंट में, टावर का सेंटर पॉइंट में स्टाफ लेके खड़ा है। तो इसका साथ में हम लोग हमारा ट्यूबलाइट को लॉक कर देंगे। ये लॉक करने के बाद हम लोग को जो दो टावर का मेंबर जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है उसका जो बोल्ट है उसको हम लोग चेक करेंगे उसका एक्सिस के साथ में अलाइन है कि नहीं। पहले फर्स्ट वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसका एक्सिस के साथ में अलाइन है कि नहीं चेक करेंगे ना बोल्ट को, फिर उसके बाद ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है उसको भी चेक करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर में जाएंगे। तो इसके लिए जितना दूर हो सके ट्यूबलाइट को कम से कम हम लोग को सेंटरिंग करना पड़ेगा। टू अलाइनमेंट ऑफ द ट्यूबलाइट विद सेंट्रल एक्सिस ऑफ द टावर, when we look and vertically move upward the tubelight binocular slowly, we can see the cross section point, that is this point, cross section point of two members in the same axis of the tower central axis. That means tower verticality is correct. That means after alignment of tubelight with the central axis of the tower, when we move tubelight binocular slowly upward, then we have to see this cross section point of two members, cross section point of two member bolt. Over here there will be cross section bolt, okay, one bolt will be there. So this bolt must be coming at the central axis of the tower when you move upward the tubelight binocular slowly. Then similarly this cross section point bolt also should be coming in the central line of the tower. If this cross section bolt is not coming exactly into the central line of the central line axis of the tower, that means this tower is little bit deviated and verticality of the tower is not correct. So this way we can check from bottom to the top for
portion of the tower through the tube light. Thank you.